सालों की मेहनत, कई ख्वाब और ढेर सारी उम्मीदें, ये सब एकजुट होकर तैयार करता है एक ऐसे खिलाड़ी को जो पोडियम पर चढ़ते हुए कई नई आशाओं को पंख देता है। मनु भाकर भारत की ऐसी ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में अपने अचूक निशानों से न जाने कितनी नई उम्मीदों को उड़ान भरने की हसरत दी है। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग की मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीत लिया है। इस इवेंट में उनके जोड़ीदार सरबजोत सिंह रहे। मनु ने कुछ दिन पहले 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के महिला वर्ग में भी कांस्य पदक जीता था। वो शूटिंग इवेंट में ओलंपिक मेडल हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। वहीं मंगलवार को मिक्स्ड इवेंट में पदक जीतकर उन्होंने इतिहास में एक बार फिर अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक अपने नाम कर लिए। ये कारनामा आज तक कोई भारतीय एथलीट नहीं कर पाया था। वैसे भारत के लिए पहलवान सुशील कुमार और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु 2 ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये कारनामा 2 अलग अलग ओलंपिक में किया था, जबकि मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने का काम किया है। वैसे मनु के इरादों की भनक तो साल 2021 में ही लग गई थी, जब उन्होंने बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीता था। इस सम्मान को हासिल करते हुए उन्होंने कहा था कि वो देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल हासिल करना चाहती हैं। थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट टू मी एंड फाइनली इट फील्स लाइक माय हार्ड वर्क हैज बीन रियली लाइक पीपल नो नाउ दैट आई हैव वर्क्ड रियली हार्ड एंड सो थैंक यू सो मच फॉर द अवार्ड। व्हेन आई गॉट टू नो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स वुमेन को भी अवार्ड दे रहा है दिया जा रहा है तो आई फेल्ट लाइक रियली नाइस बिकॉज लाइफ टाइम अचीवमेंट इज समथिंग की वर्किंग फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम वर्किंग हार्ड फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम अचीविंग बहुत इयर्स तक एंड देन गेटिंग द अवार्ड और इमर्जिंग इज दैट टू प्रमोट एंड टू जस्ट give a push to the current feelings that we have current stamina that we have to win more to achieve more and to win more medals for the country। BBC Indian Sports Women of the Year का मकसद है भारतीय महिला खिलाड़ियों और उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करना, महिला खिलाड़ियों की चुनौतियों पर चर्चा करना और उनकी सुनी अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लेकर आना। ऐसी ही कहानी की मिसाल मनु भाकर भी हैं। पेरिस ओलंपिक में उनकी कामयाबी दरअसल नाकामी के बाद दमदार कमबैक की कहानी है। ये कहानी शुरू होती है 2021 में खेले गए टोक्यो ओलंपिक से, जहां 19 साल की मनु पर उम्मीदों का दारोमदार था और शायद उन्हीं की वजह से उनका हौसला डगमगाया और वो पदक राउंड तक नहीं पहुंच सकी। हार की निराशा और नाउम्मीदी के बीच मनु भाकर का मन शूटिंग के उस खेल से उबने लगा था जिसे उन्होंने 14 साल की उम्र में दिल से लगाया था। 2017 के नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में वर्ल्ड नंबर 1 रही हिना सिंधु को हराया। 2018 में वुमेन्स वर्ल्ड कप में मनु ने एक ही दिन में 2 गोल्ड मेडल जीते। ये कोई हंसी खेल की बात नहीं थी और इसी के साथ 2019 में मनु ने टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल किया था। लेकिन टोक्यो ओलंपिक के एक इवेंट में उनकी पिस्टल गड़बड़ हुई और उसके बाद उनका पूरा का पूरा ओलंपिक अभियान ही पटरी से उतर गया। उम्मीदों के बादल पर सवार मनु भाकर तब अपनी नाकामी को पचा नहीं पाई और इसका दोष अपने तत्कालीन कोच जसपाल राणा पर मढ़ दिया। पूर्व शूटर राणा ने इसे मनु की अपरिपक्वता कहा और दोनों के रास्ते अलग हो गए। मनु विदेश जाने का मन बना रही थी, लेकिन शूटिंग और ओलंपिक में प्रदर्शन की कसक उनके अंदर अब भी बाकी थी। उन्होंने एक टैटू करवाया जिस पर लिखा था स्टिल आई राइज और पेरिस ओलंपिक से ठीक एक साल पहले उन्होंने अपने कोच जसपाल राणा को फोन किया। जसपाल भी मनु की गुहार को मना नहीं कर पाए और उनके साथ आ गए। पेरिस ओलंपिक से पहले मनु ने कहा भी कि जसपाल राणा ही उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करा सकते हैं। वहीं ओलंपिक में मनु के कांस्य पदक जीतने के बाद जसपाल राणा ने मीडिया से कहा था कि वे मनु को इसलिए मना नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मनु में इतिहास रचने की क्षमता है। वैसे दिलचस्प ये है कि मनु भाकर के सामने इस ओलंपिक में 3रा मेडल जीतने का मौका भी होगा। शूटिंग में मनु भाकर का अपना पसंदीदा इवेंट 25 मीटर एयर पिस्टल है। इस मुकाबले में भी उनसे मेडल की उम्मीद की जा रही है। ओलंपिक में जहां भारत आज तक कभी 10 मेडल नहीं जीत पाया, वहां मनु का ये प्रदर्शन कई नई उम्मीदों को जन्म देता है।